रंगमंच और फिल्मों की मशहूर अदाकारा जोहरा सहगल का नम आंखों से दिल्ली में अंतिम संस्कार किया गया। इस मौके पर बॉलीवुड, राजनीति और रंगमंच से जुड़ी कई हस्तियों सहित उनके तमाम प्रशंसक मौजूद थे। वो 102 साल की थीं। उनके अभिनय, उनके संघर्ष और उनकी जिंदा दिली का हर कोई कायल था। जोहरा सहगल हमारे बीच में नहीं रही, लेकिन उनके काम और उनकी यादें हमेशा हमारे बीच रहेंगी। बहुत बड़ा लॉस है, वो तो एक पूरी इतिहास आज उनके साथ मुकम्मल हो गया, खत्म हो गया, एक चैप्टर क्लोज हो गया। और 20वीं सदी का हिंदुस्तान का जो थिएटर है वो तो जोहरा सहगल के नाम के बगैर उसको आप लिख ही नहीं सकते उसके बारे में। एक औरत जिसने न जाने कितनी लड़कियों और कितनी औरतों को अपनी जिंदगी में इंस्पायर किया कि वो उनकी तरह उस बहादुरी से जिए जैसे जोहरा सहगल अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे जिए। रंगमंच से शुरू हुआ उनका सफर टीवी सीरियल और फिल्मों तक पहुँचा। उन्हें 1998 में पद्मश्री और 2010 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। जीवन की आखिरी सांस तक अभिनय को समर्पित जोहरा सहगल ने गुरुवार को दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। अपने लंबे जीवन में उन्होंने नृत्य और अभिनय के जरिए देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी छाप छोड़ी। तो वो एक ऐसी शख्सियत थी विच आई थिंक दिस कंट्री विल रिमेम्बर फॉरएवर एंड एवर। सीरियल भी किए, फिल्मों में भी किया, बहुत किया। कि वो परफॉर्मेंस थी ना, उनके पास मीडिया कोई भी हो उस मीडिया में वो बात कह सकती थी और कहती थी। जोहरा सहगल को भरपूर जिंदगी मिली और उन्होंने हर लम्हे को भरपूर जिंदा दिली से जिया। जोहरा सहगल कहती थी, अगर आप निष्क्रिय होकर घर बैठ गए तो समझ लीजिए आप खत्म हो गए। साइमा खान के साथ नदीम अंसारी, DD News, दिल्ली।